चलिए चलते हैं मेरे बिजनेस स्टडीज़ के 7th लेसन प्लान की ओर, जिसका मैंने टॉपिक लिया था बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके मैंने 3 टीचिंग पॉइंट्स लिए थे, मीनिंग ऑफ बिजनेस, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिए थे जो कि कुछ इस तरीके से हैं। 5 टीचिंग 5 ऑब्जेक्टिव्स लिए थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज यूजेस, स्किल और इंटरेस्ट, और इसके अंदर मैंने उनके ऑब्जेक्टिव्स डाले थे। नेक्स्ट अप इज मैंने क्या क्या सपोर्टिंग मटेरियल्स लिए वो लिखे, टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स लिखी, प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस, जो कि मैंने 4 इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस किए थे, स्टेटमेंट ऑफ एम, एंड देन प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया जो कि डेवलपिंग क्वेश्चन से स्टार्ट किया, 2 क्वेश्चंस पूछे थे, फिर मीनिंग ऑफ बिजनेस बताया जिसको मैंने चार्ट के थ्रू पूछा समझाया था। ये था मीनिंग ऑफ बिजनेस। देन इवेल्यूएशन क्वेश्चंस किए थे मैंने कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्या समझ आया। देन मैंने उसमें कुछ डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ से कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, और फिर उसको मैंने चार्ट के थ्रू भी समझाया। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझाने के बाद मैंने उनसे कुछ इवैल्यूएशन क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद मैंने डेवलपिंग क्वेश्चंस किए मेरे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि था फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, और जिसका मैंने चार्ट लिया था, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये था इसका चार्ट और इवेल्यूटरी क्वेश्चंस। यहाँ पे इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मैंने बच्चों से इवेल्यूटरी क्वेश्चंस किए थे, जो कि मैंने फिल इन द ब्लैंक्स पूछे थे, वेरी शॉर्ट, और फिर होमवर्क दिया था। थैंक यू।